हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लौकी के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। दो टमाटर, एक प्याज और अचार वाली जो बड़ी वाली मिर्च होती हैं वो ली हैं, और ग्रीन चिली तेज वाली, और लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, और जो है अदरक और एक दो लाल मिर्च डाल के हम इसको पीस लेंगे, प्यूरी बना लेंगे। मसाले में लेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर, चाट मसाला आधा चम्मच, और जो है गरम मसाला थोड़ा सा आधा चम्मच, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, नमक, और टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। यहाँ मैंने आधा किलो के लगभग लौकी लिया था, उसको अच्छे से पील कर लिया, छील लिया, और जो है उसको ग्रेट कर लेंगे। इस लौकी को हमने ग्रेट कर लिया है। अब उसमें हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई, और ये बड़ी वाली हरी मिर्च है जो अचार वाली होती है, और अब इसमें मैदा डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून के लगभग। आप चाहें तो बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जीरा पाउडर पिसा हुआ, और लाल मिर्च पाउडर ये आधा आधा चम्मच दोनों चीज़ डाली है, और थोड़ा सा गरम मसाला और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको मिक्स कर लेंगे और फिर जो है इसके कोफ्ते बना लेंगे। सारे के सारे कोफ्ते इसमें मैं डाले दे रही हूँ। ये देखिए कोफ्ते बन गए हैं। यहाँ मैंने वही वाला तेल लिया हुआ है जिसमें कोफ्ते फ्राई किए थे। 2 बड़ा चम्मच तेल लेना है, उसमें जीरा डाल लेंगे और एक लाल मिर्च, और जो प्याज अदरक लहसुन का जो हमने प्योरी बनाया था वो डालेंगे। इसको भून लेंगे, उसके बाद में जब ये ब्राउन हो जाए तो उसमें जो है टमाटर की प्योरी ऐड कर देंगे। जब ये थोड़ा थोड़ा भुन जाए फिर उसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और ये जीरा पाउडर। जीरा मैंने नॉर्मल जीरा लिया हुआ, इसको भूना नहीं है, बस ऐसे ही इसको पीस लेना है, और नमक डाल देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर सॉटे करेंगे। तेल इसमें ऊपर आने लगेगा, ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा। ये पूरा भुन गया है अच्छी तरह से। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ 2 कप के लगभग डाला है, ये इतना थिक रहेगा इसका ग्रेवी, इस तरह से। अब इसको जो है तेज आंच पे बॉईल करेंगे 6 से 7 मिनट तक, और जब बॉईल हो जाएगा तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो उस टाइम जो इसमें हमने कोफ्ते बनाए थे लौकी के वो हम इसमें डाल देंगे, और गरम मसाला डाल देंगे खुशबू के लिए, थोड़ा सा डालना है। ये बिल्कुल बन गया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनता है ये।